संतान मामले में रिंगस पालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत अयोग्य करार, सीकर जिला न्यायालय ने सुनाया अपना फैसला। हरिशंकर निठारवाल को न्यायालय ने किया पालिका अध्यक्ष घोषित। रिंगस कस्बे में पिछले 15 माह से चल रहे पालिका अध्यक्ष के 3 संतान मामले में बुधवार को जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए वर्तमान पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार कुमावत को अयोग्य करार दिया है। न्यायालय ने प्रतिद्वंदी हरिशंकर निठारवाल को पालिका अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया है। न्यायालय का आदेश आते ही जहां अशोक कुमार कुमावत के खेमे में मायूसी छा गई, तो हरिशंकर निठारवाल के खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिला। गौरतलब है कि नगर पालिका में वर्तमान बोर्ड के गठन से ही अशोक कुमार कुमावत के 3 संतान का मामला गर्मा गया था। हरिशंकर निठारवाल ने मामले में न्यायालय की शरण लेते हुए वाद दायर किया था। अशोक कुमार कुमावत के 2 पत्नियों से 3 जीवित संतान है। अशोक कुमार कुमावत की पहली पत्नी सविता से एक पुत्री हुई थी जिसका नाम निहारिका है। अशोक कुमार कुमावत ने बिना तलाक के ही दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी मीनाक्षी से भी अशोक कुमार कुमावत को 2 पुत्रियां हैं, जिनमें एक पुत्री का नाम निहारिका व दूसरी पुत्री का नाम अर्पिता है। अशोक कुमार कुमावत के पार्षद चुनाव व पालिका अध्यक्ष चुनाव में दाखिल किए गए नामांकन पत्र में केवल दूसरी पत्नी से हुई दोनों पुत्रियों निहारिका व अर्पिता का ही जिक्र किया गया था। उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर ने 9 मार्च 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई जांच रिपोर्ट में अशोक कुमार कुमावत के 3 जीवित संतान होने का हवाला देते हुए नामांकन पत्र में मिथ्या साक्ष्य पेश करने का दोषी करार दिया था। स्वायत्त शासन विभाग बचाता रहा अशोक कुमार कुमावत की कुर्सी। जिला कलेक्टर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 13 अप्रैल 2022 को अशोक कुमार कुमावत को दोषी करार देते हुए स्वास्थ्य शासन विभाग को पद से हटाने के लिए पत्र लिखा था। पालिका में कांग्रेस का बोर्ड होने के चलते स्वायत्त शासन विभाग अशोक कुमार कुमावत की कुर्सी बचाता रहा। रिंगस नगरपालिका का जो चुनाव हुआ था 7 फरवरी 2021 को अध्यक्ष पद का, उसकी एक याचिका हरिशंकर जी और राजेंद्र जी दंबीवाल ने अशोक कुमार जो विजेता कैंडिडेट जिसको किया गया उसके खिलाफ पेश की। उस याचिका में आज जिला सेशन न्यायाधीश महोदय सीकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी ने जो है जजमेंट किया है, और वो जजमेंट ये किया है कि अशोक कुमार जी जो है उसके 3 संतान होने की वजह से उनको अयोग्य घोषित करार करके और बर्खास्त किया गया है पद से, और उनके स्थान पे हरिशंकर जी को निर्वाचित घोषित किया गया है। आज से नगरपालिका रिंगस के चेयरमैन जो है वो हरिशंकर जी निठारवाल है। गोपाल जी उसी वार्ड नंबर 12 के एक इलेक्टर थे यानी मतदाता थे, उनके द्वारा एक चुनाव याचिका पेश की गई, उसके पार्षद के चुनाव को चुनौती दी गई। उस पार्षद के चुनाव की चुनौती की याचिका को भी आज माननीय जिला न्यायाधीश महोदय सीकर ने स्वीकार करते हुए उनके मेंबर के पद से अयोग्य घोषित करार कर दिया 3 संतान होने की वजह से, और बर्खास्त कर दिया। और वो जो है उसके संबंध में बर्खास्त करने के बाद में जो भी राज्य निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा, चुनाव कराएगा या क्या प्रक्रिया अपनाएगा, वो जो है वो अडॉप्ट की जाएगी। उसको उस मेंबर के यहाँ से केवल बर्खास्त किया गया है। कहना चाहेंगे आप? न्यायालय का जो डिसीजन आया, डीजे का, जिला सेशन न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, बिल्कुल रिंगस नगर पालिका क्षेत्र की जनता के साथ में, रिंगस की जनता की आवाज के मुताबिक जो है न्यायपालिका ने न्याय किया है। और न्यायपालिका पे हमारा शुरू से ही पूर्ण भरोसा था, और सभी पार्षदों ने अपने इसी आकांक्षा के साथ में सभी लोग एकजुट होकर के उन लोगों ने प्रयास किया, और रिंगस की जनता की सद्भावना के मुताबिक जो है हमारे को इसमें सफलता मिली और न्याय मिला रिंगस की जनता के साथ में।